Cause I just wanna go to the deep end. TechNerviz में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, पहले तो डिस्क्लेमर, हमारे अपीयरेंस में अगर गड़बड़ी है तो इग्नोर करिए। बालों का हाल बेहाल है, वीकनेस अभी भी है, फीवर अभी भी है, तो लेकिन हमने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत ही ज़रूरी था। जो Redmi Note 11 सीरीज जो ग्लोबल वेरिएंट थे वो फाइनली लॉन्च हो गए और यही 101% श्योरिटी है कि हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जो चाइना वाले Redmi Note 11 सीरीज थे वो इंडिया में Xiaomi 11 आए और 11 आए हाइपर चार्ज के साथ में आए थे, लेकिन जो एग्जैक्टली इंडिया वाले जो Redmi Note 10 सीरीज के जो सक्सेसर होंगे वो यही वाले होने वाले हैं। अब यहां पर चार फोन्स Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है ग्लोबली Redmi Note 11 सीरीज में, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। शुरुआत करते हैं लोवेस्ट से, वो है Redmi का Note 11। अब यहां पर डिस्प्ले की बात करें इसमें तो आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस वाली एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, ये पंच होल डिस्प्ले और साथ में 90 हर्ट्ज आपको हाईर रिफ्रेश रेट मिलता है, तो डिस्प्ले अच्छा है, AMOLED है, 90 हर्ट्ज की उन्होंने रिफ्रेश रेट दिया है। इसमें मिलता है आपको Qualcomm Snapdragon 680। जी हाँ, ये वही सेम चिपसेट है जो हमें इंडिया के Realme 9i में देखने को मिली थी। अब चिपसेट दोस्तों ठीक है, बस ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है जो हमने ऑलरेडी Realme 9i वाले वीडियो में बोल दिया था। अब ये भी आपको जब इंडिया में ये वाला फोन आएगा तो उन्होंने कैसे ऑप्टिमाइज किया आने की बात ही पता चलेगा। आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल सेंसर है, अब ये ऑब्वियसली सैमसंग सेंसर होगा, 8 मेगापिक्सल आपको अल्ट्रावेट है थैंकफुली, 13 मेगापिक्सल की आपको यहाँ पर सेल्फी देखने को मिलती है। उसी के साथ फोन का जो फॉर्म फैक्टर है वो भी अच्छा है, स्लिम ट्रिम है, लेकिन बिल्ड कैसी है, पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस के बारे में अभी मेंशन नहीं किया है तो मुझे पता नहीं है। LPDDR4X रैम सपोर्ट, आपको UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट है जो अच्छी बात है। उसी के साथ साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है और साथ में आपको आयर ब्लास्टर है, डुअल स्टीरियो स्पीकर से NFC वगैरह, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने यहां पर भर के दिए हैं। साथ ही साथ 5000 mAh की आपको बैटरी है और 33 वॉट फास्ट चार्जिंग आपको यहां पर मिलती है। अब यहां पर ये 464 से स्टार्ट होता है और उस पे आपको हाईर वेरिएंट्स पे मिलते हैं, प्राइस के बारे में हम एंड में बात करेंगे। उसके बाद आता है Redmi Note 11S, ये वही फोन है याद रहे जो इंडिया में 9th फरवरी को लॉन्च होगा। अब यहां पर ये सेम डिस्प्ले के साथ आ रहा है Redmi Note 11 जैसा, 6.43 इंच फुल HD प्लस एक AMOLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज हाईर रिफ्रेश रेट, लेकिन इंडिया में जो Redmi Note 10S है जिसका ये सक्सेसर बन के आएगा उसमें भी AMOLED था लेकिन वो 60 हर्ट्ज था, इसमें 90 हर्ट्ज हो गया, तो डिस्प्ले में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। उसी के साथ कैमरा में भी इंप्रूवमेंट है, इसमें 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा है प्राइमरी, साथ में अल्ट्रावाइड भी है और 2-2 मेगापिक्सल उन्होंने अलग से चिपका दिया, तो क्वाड कैमरा लेकिन प्राइमरी सेंसर आपको अच्छा मिलता है। 16 मेगापिक्सल आपको यहां पर सेल्फी मिलती है और इसका भी जो फॉर्म फैक्टर है वो अच्छा है, Redmi Note 11 जैसा ही है, 8.02 mm की थिकनेस है और 179 ग्राम से, तो काफी स्लिम ट्रिम आपको देखने को मिलेगा। वैसे इसमें आपको LPDDR4X रैम सपोर्ट, UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, NFC, आयर ब्लास्टर, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, वो सारी चीजें जो है Redmi Note 11 में वही सेम चीज आपको इसमें देखने को मिल रही है। इसमें मिलता है आपको MediaTek Helio G96 परफॉर्मेंस के लिए, ये चिपसेट अच्छी है लेकिन प्राइस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट फास्ट चार्जिंग, सेम जो Redmi Note 11 में है। उसके बाद आता है Redmi Note 11 Pro 4G। Yes, इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली एक AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज हाईर रिफ्रेश रेट है। देखा जाए तो इंडिया वाला जो Redmi Note 10 Pro है उसमें भी वैसे ही सेम डिस्प्ले था, तो कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा इंप्रूव्ड हुआ है, बाकी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइट और उसके अलावा 2-2 मेगापिक्सल चिपका दिया, तो वही Redmi Note 11S जो बताया था वैसा ही सेम कैमरा है। 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, इसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा हेवियर साइड पर है, 202 ग्राम्स का है और 8.12 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है। LPDDR4X रैम सपोर्ट, UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट, उसी के साथ इसमें आपको उन्होंने हाइब्रिड स्लॉट दे दिया, जबकि Redmi Note 11S Note 11 में डेडिकेटेड स्लॉट था, यहां पर हाइब्रिड स्लॉट है, बाकी सारी चीजें साइड माउंटेड है, वो सब कुछ सेम मिल रहा है। साथ में इसमें परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने दिया है MediaTek Helio G96, क्योंकि ये 4G वाला है, सेम चिपसेट है Redmi Note 11S जैसा, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी इसमें देखा जाए तो कुछ खास नया नहीं है। वैसे यहां पर 5000 mAh की बैटरी है तो 67 वॉट फास्ट चार्जिंग है, चार्जिंग थोड़ी उन्होंने यहां पर इंप्रूव्ड कर दी है और ये 664 से यहां पर स्टार्ट होता है। और फाइनली आता है Redmi Note 11 Pro 5G। जब आपको 5G लाना था तो 4G लाके आपने टाइम वेस्ट क्यों किया। खैर, इसमें मिलता है सेम डिस्प्ले Redmi Note 11 Pro 4G जैसा, कोई चेंजेस नहीं है, कैमरा भी सेम है रियर और सेल्फी, बस यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है 108 मेगापिक्सल के साथ, वहां पर क्वाड कैमरा था। फॉर्म फैक्टर इसका भी सेम है, LPDDR4X, UFS 2.2, बाकी सब कुछ हाइब्रिड स्लॉट, ये वो एकदम से सेम है। 5000 mAh की आपको बैटरी और यहाँ पर 67 वॉट आपको फास्ट चार्जिंग। यहाँ पर जो चिपसेट है दोस्तों वो है Snapdragon 695, ये एक 5G चिपसेट है, लेटेस्ट चिपसेट है जो ऑलरेडी हमें इंडिया के अंदर Motorola के G71 में देखने को मिल रही है और ये चिपसेट अच्छी है। ये भी दोस्तों आपको
6GB RAM और 64GB से देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों प्राइस की, शुरुआत करते हैं Redmi Note 11 की। तो वो 464 से स्टार्ट हो रहा है विद Snapdragon 680, उसकी जो प्राइस है ग्लोबल प्राइस को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो वो 13-14 हज़ार की रेंज का होता है, नॉट बैड, ठीक है। इंडिया में भी अगर 12-13 हज़ार की रेंज का हो, ये जो चिपसेट है और बाकी की चीजें देखकर मैं बोल रहा हूं तो ठीक है। फिर दोस्तों Redmi Note 11S की बात करें, 464 से स्टार्ट हो रहा है, इसकी जो प्राइस ग्लोबली आई है वो है 18 हज़ार। देखिए ये काफी ज्यादा है, इंडिया में अगर ये 14 हज़ार तक आता है तो मेरे ख्याल से ठीक है, ओवरऑल फोन ठीक है, तो इंडिया में प्राइस मुझे लगता है वैसे होगी क्योंकि ग्लोबल हमें पता है प्राइस थोड़ी ज्यादा ही होती है। और उसके बाद Redmi Note 11 Pro 4G की बात करें तो ये 22,000 से 664, स्टोरेज भी बहुत कम है और ये 20,000 के ऊपर चला गया, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। Helio G96 के लिए 22,000 रुपये, लेकिन फिर से रिपीट करूंगा ये ग्लोबल प्राइस है, इंडिया में मुझे लगता है कि इधर ये 15,000 तक 16,000 तक मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि इसमें 67 वोट चार्जिंग है, लेकिन स्टिल मुझे ये डाउनग्रेड लग रहा है अगर देखा जाए तो। Redmi Note 10 Pro से कंपेयर करें तो Snapdragon 732 है वहां पर और वो चिपसेट काफी अच्छी है, और अभी भी मैं बोलता हूँ डंकी की चोट पर कि वो चिपसेट बहुत पावरफुल है, Helio G96 से बेटर है, तो ये वाला फोन मुझे डाउनग्रेड लगता है। और फाइनली जो Snapdragon 695 वाला जो 5G है Redmi Note 11 Pro, ये 24,000 पर है स्टार्ट होता है, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। तो ये ग्लोबल प्राइस से बहुत ज्यादा है, इंडिया में अगर आपको पता है 15 से 20 के बीच में ही हो तो ठीक है, और कुछ 15 के अंदर भी होने चाहिए, बहुत ज्यादा तो मुझे लगता है कि इनमें कुछ लोगों में डिमांड रहेगा और वो वैल्यू रहेगी, वरना फिर फायदा नहीं क्योंकि कंपटीशन वैसे भी बहुत तगड़ा है। तो ये दोस्तों Xiaomi ने अपने इतने सारे 4 Redmi Note 11 सीरीज वाले फोन्स लॉन्च कर दिया, जिनमें से Redmi Note 11S तो अभी लॉन्च ही हो रहा है, बाकी के मुझे लगता है कि सेम टू सेम वैसे इंडिया में आएंगे, मे बी कुछ चेंजेस हो सकते हैं जहां तक मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ओवरऑल तो मुझे लगता है यही वो फोन से जो इंडिया में वो लोग लॉन्च करेंगे। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, सब्सक्राइब करिए, आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर से बताना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।